to my channel. These days passed away 5 days. Yeah, around 5 days. My grandfather, the hostel, the owner of Salka Hostel, Tripura Champak Nagar, Montfort Secondary School, Salka Hostel, the owner, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे. मैंने पिछले का वीडियो में उसका कंटेंट वही था, वो सरका हॉस्टल का ओनर घर गए, मेरे ग्रैंडफादर. जो उसका नाम लेना चाहूँगा, लेना नहीं भी चाहता, फिर भी बड़ा है. मैं सबको इस नाम पे इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ. तो एक्चुअली सरका हॉस्टल में तो बहुत सारे सर रह चुके हैं. तब तक वार्डन, तो ओनर मतलब सर मिलन देव वर्मा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे. तो मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था, तो इसको पीछे रखते हैं. तो अब आज का टॉपिक पे आते हैं. तो गाइस, आज का टॉपिक है, तो मैं सब मेरे भाइयों और बहनों, मेरे से छोटा हो या बड़ा, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अब कोरोना वायरस चल रहा है. मैं सब लोगों को यही दावा करना चाहूँगा कि अब जहाँ भी जाए सैनिटाइजर, एंड स्पेशली तो मैं कहना चाहूँगा मास्क, आप अपना मास्क यूज़ करें. वैसे ऐसा बात नहीं है कि आप सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, मास्क यूज़ करेंगे तो आपको ऊपर कोरोना वायरस नहीं फैलेगा. एक्चुअली वो आपका एक सेफ्टी है. और आप जब भी बाहर जाते हैं मॉल, एक्चुअली अब तो मॉल वॉल तो हमारे त्रिपुरा में तो बंद है, फिर भी वो राशन का दुकान वगैरह, छोटा मोटा दुकान वो बस खुला रहता है. शायद आपका वहाँ पे भी ऐसे होगा. होल इंडिया, नॉट होल इंडिया, होल इन द वर्ल्ड ऐसा है. आई थिंक नाउ इटाली एंड चाइना में भी थोड़ा, अब तो इटाली और चाइना में तो कम ही हो गया. तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, अब हमारे से छोटा हो या बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों का पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस. या मेरा भी हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस. यस, दिस इज ट्रू. सबका हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस विथ मोबाइल फोन. तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एक था मेरा छोटा भाई, उसने मम्मी को बोला, मेरा बुआ को बोला उसने, मम्मी मुझको एक मोबाइल चाहिए. तो मेरा बुआ ने उसको एक मोबाइल खरीद के दिया. तो क्या हुआ आपको पता है, वो अब दिन रात पबजी में लगा रहते हैं, पूरा दिन पबजी. तो मैं ये दवा करना चाहूँगा कि अब लोग प्लीज, अब ऑनलाइन जब व्हाट्सएप पे, आई डोंट नो, मेरा तो व्हाट्सएप से है, और फेसबुक में भी ग्रुप बना के आप इंस्टा में भी कर सकते हो. आई एम नॉट श्योर, मेरा तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है क्लास स्कूल का. तो यहाँ से मेरा ये दावा है कि सब लोग पढ़ाई ठीक से करें. और मम्मी डैडी, कहीं कहीं का मम्मी डैडी है जो क्या बताऊँ, ठीक से पढ़ाई नहीं पा रहे, मतलब पढ़ाई पा रहे हैं फिर भी मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, मतलब बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, फिर भी आप लोग मम्मी दीदी को धोखा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है. तो आज का वीडियो यही है कि आप अपने छोटा हो या बड़ा, मम्मी डैडी को प्लीज़ धोखा मत दो, अपने ग्रैंड मॉम या ग्रैंड फादर को प्लीज़ किसी को भी धोखा मत दो. धोखा देना अच्छा नहीं है. मैं तो इस वीडियो की तरफ से किसी को नहीं बता रहा हूँ कि आप धोखा दे रहे हो. आप किसी ने किसी को भी धोखा नहीं दिया. आखिरकार आप किसी ने किसी को धोखा दिया है तो प्लीज़ उसको जाके माफ़ी मांगो. माफ़ी मांगो नहीं, मतलब मैं इस माफ़ी तो ये आपका है, माफ़ी मांगना या नहीं मांगना ये आपका है. आप दोबारा ऐसा गलती नहीं कीजिए कि किसी को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए. ओके गाइस, पहले की तरह मैं वैसे ही बोलना चाहूँगा कि इस मम्मी डैडी छोटा बड़ा किसी को धोखा मत दीजिए, क्योंकि धोखा देना एक क्या है, हानिकारक है. नो, धोखा देना एक्चुअली गाइस, धोखा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है. आपका भी ऐसा आदत है तो प्लीज इसको छोड़ दीजिए. ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ.